हेलो एसपीर एंड वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल द टीचर्स गाइड ये हमारे टॉपिक और क्लास फर्स्ट है जिसमें हम हमारे कोर्स पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं एंड दिस फर्स्ट ट्यूटोरियल इज़ बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज हम यहाँ पर बारी बारी से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इस तरह से ये कम्प्लीट कोर्स रहेगा सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और फर्स्ट टाइम यदि विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके यहाँ पर आपको सभी तरह के टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन से संबंधित कंटेंट और जो यूजफुल मटेरियल वो देखने को मिलेगा सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल सो पैराग्रॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट दिस इज़ द नेम ऑफ आर पेपर जो हमारा स्पेसिफिक पेपर है एमपी टेट वर्क दो के अंतर्गत उसमें हमारे पेपर के पार्ट बी का इतना नाम दिया हुआ है पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट तो हमारे ओवरऑल कोर्स में हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमारे इस पेपर के नेम से होना चाहिए और जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं उसे संबंधित डिस्कशन करेंगे जो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा साथ ही आप क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड सॉल्व कर पाएंगे सो so, सबसे पहला वर्ड जो हमारे टर्म में आता है पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट देन व्हाट इज पैडागोजी तो हम पहले इस पर डिस्कस करते हैं सो पैडागोजी इज जनरली इज कंसिडर इज साइंस ऑफ टीचिंग कैसे टीच किया जाए ना हाउ टू टीच समथिंग किसी भी चीज़ को कैसे हम डिलीवर करें कैसे बच्चे को लर्निंग फैसिलिटेट करें उसी से संबंधित सभी तरह की स्टडी को हम पैडागॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं चलिए हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं सो इट इज द स्टडी ऑफ़ हाउ नॉलेज एंड स्किल्स आर इम्पार्टेड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किस तरह से नॉलेज और डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स हैं उनको इम्पार्ट किया जाए एक लर्नर के अंदर भेजा जाए एक लर्नर को सीखने के लिए फैसिलिटेट किया जाए इन्हीं बातों का अध्ययन करने वाला जो विषय होता है असल में वही पैडागोजी है ठीक है ना तो पैडागोजी हमको गाइड करता है कि हम कैसे किसी भी चीज़ को सिखा सकते हैं कैसे भी किसी भी चीज़ को टीच कर सकते हैं है ना नाउ हियर वी स्टडी डिफरेंट वे और मैथड्स हम यहाँ पर अलग अलग तरह के मैथड्स को डिस्कस करते हैं ऑफ टीचिंग एंड एनहैंसिंग लर्निंग है ना टीचिंग करने की और लर्निंग को एनहेंस करने के लिए जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं पॉसिबल मेथड्स हो सकते हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं एंड वन थिंग मोर जो पैडागोजी होती है इट वेरीज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है ना हर सब्जेक्ट के लिए अलग पैडागोजी हो सकती है है ना hmm, कहा जाए तो मैथमेटिक्स के लिए जो मैथड्स ज़्यादा यूजफुल हैं मे बी वो सोशल साइंस के लिए ना हो तो मैथ का पैडागॉजी अलग हो सकता है और साइंस का सोशल साइंस का लैंग्वेज का पैडागॉजी अलग हो सकता है ठीक है सो so, एक जनरल आइडिया आपको मिला होगा कि व्हाट इज पैडागोजी सो पैडागोजी इज स्टडी ऑफ दैट हाउ टू इम्पार्ट नॉलेज और हाउ टू टीच है ना इट डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मेथड्स एंड वेज ऑफ टीचिंग तो इतना आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि ऐसा विषय जिसमें हम कैसे पढ़ाया जाए ये डिस्कस करते हैं उसी को हम पैडोलॉजी बोलते हैं हाँ ध्यान रखिए एक शब्द और आता है पैडोलॉजी और एक पैडागोजी ठीक है उसका स्पेलिंग कुछ इस तरह से होता है पैडालॉजी ओके सो ये जो पैडोलॉजी होता है इस इसका मतलब होता है जो मिट्टी का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है मृदा विज्ञान बोलते हैं जिसको उसको पैडोलॉजी बोलते हैं एंड ये पैडागॉजी है ठीक है तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है ठीक है हमने यहाँ पर बात की थी पैडागॉजी वेरीज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल पैडागॉजी ऑफ लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल कि हम लैंग्वेज़ की पैडागलॉजी अलग पढ़ते हैं सोशल साइंस साइंस मैथमेटिक्स की अलग पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के लिए अलग पैडोगॉजी पढ़ते हैं सो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर सकती है ठीक है सो होपफुली आपको पैडागोजी का ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पेपर में वो समझ आया होगा चलते हम अपने अगले टर्म पर और दूसरी चीज़ जो हमारे इसमें लिखी हुई है लैंग्वेज लैंग्वेज जो है हमारे पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज से संबंधित तो कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए जो हमें पता ना हो और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ इट इट विल कवर एट्टी परसेंट ऑफ योर टोटल पेपर है ना आपके टोटल पेपर का अस्सी परसेंट भाग जो है इस पेपर से कवर होगा तो ध्यान रहे इसको ध्यान से पढ़ना है और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए सो लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस विच इज़ यूज एज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो लैंग्वेज आप अपने ग्रेजुएशन में भी कई बार पढ़ चुके होंगे कि लैंग्वेज क्या है जस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन का मीडियम है जिससे हम क्या कर पाते हैं बात कर पाते हैं है ना सो लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस ये साइंस का कुछ प्रतीकों का एक सिस्टम होता है जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं अपने एक्स अपने व्यूज़ को अपने आइडियाज़ को इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए ठीक है ना कम्यु लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो इसकी कुछ बहुत सारी यहाँ पर विशेषताएं होती हैं कैरेक्टरिस्टिक होती हैं लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें बहुत कन्फ्यूज़ कर देती हैं वो ये हैं एक है आर, आर्टी, आर्टी, आर्बिट्री एंड डायनामिक पहले डायनामिक को समझते हैं डायनामिक कहने का मतलब है ना हाउ द लैंग्वेज इज डायनामिक सो so, कहने का मतलब है कि लैंग्वेज जो है वो स्टैटिक नहीं होती है इसमें बदलाव होते रहते हैं और एक लैंग्वेज की खास बात होती है कि वो जितनी ज़्यादा लैंग्वेज से अफेक्टेड होगी वो उतना ज़्यादा एनरिच होगी मतलब वो यदि दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट करती जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो है अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत अपन बहुत सारी वर्ड्स को पढ़ते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के है ना तो ये क्या है फ्लेक्सिबल है बदलती जा रही है ये अपने आप में स्टैटिक नहीं है जो चीज़ पहले होती थी अब उसको हम बदल कर बोलते हैं वो चीज़ आज इस्तेमाल नहीं होती है तो लैंग्वेज कैसी होती डायनामिक होती, होती है चेंजेबल होती है ट्रांजिटरी होती है ठीक है स्टैटिक नहीं होती ये इसका एक नेचर जो सेकेंड बात हमने यहाँ पर लिखी है वो है आर्बिट्री इन नेचर आर्बिट्री कहने का मतलब होता है कि लैंग्वेज के अंतर्गत जो हम साइंस पढ़ते हैं साइंस मतलब प्रतीक और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है कि ए लिखा है तो ए ये जो साउंड है उसके लिए यही साइन क्यों यूज़ किया गया इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है तो ये आर्बिट्री होती है मींस अपने आप में इसके पीछे कोई आप कंफर्म लॉजिक नहीं बता सकते या कंफर्म लॉजिकल ये नहीं है ठीक है ना जस्ट वो तो पहले से सेट कर दिया है और उसको हम आज फॉलो कर रहे हैं और आगे कलते चल रहे हैं ना वहाँ कोई लॉजिक नहीं है तो इसी को बोलते हैं आर्बिट्री होना ठीक है फिर इसके बाद आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए जो लैंग्वेजेस हम पढ़ेंगे अपने इस पेपर में वो दो तरह की लैंग्वेज यहाँ पर अपन देखेंगे एक तो फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज जिसको हम नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं और ये चाइल्ड जो है जब शुरुआत में यही से सबसे पहले यही भाषा सीखता है इसको हम मदर टंग भी बोल सकते हैं जो फैमिली की लैंग्वेज होती है तो बच्चा इसको क्या है फॉर्मल वे में नहीं सीखता है इनफॉर्मल वे में नेचुरली अपने आप सीख जाता है तो ये फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है जो बच्चा सबसे पहले सीखता है और जो उसकी मदर टंग होती है या उसकी नेटिव लैंग्वेज भी अपन इसको बोलते हैं और दूसरी जो लैंग्वेज है जिसको हम सेकेंड लैंग्वेज बोल सकते हैं मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज के बाद बच्चा फॉर्मल वे में किसी दूसरी भाषा को सीखता है तो उसको अपन सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया यहाँ पर हिंदी और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज हैं लेकिन जो इंग्लिश है उसको हम सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं तो ये कुछ आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंग्वेज हमने यहाँ पर डिस्कस की ओके okay? लैंग्वेज का आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है उसके नेचर की बात करें ये भी ध्यान रखना है फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज का क्या मतलब हो सकता है वो आपको ध्यान रखना है ठीक है ना अब यहाँ पर हमने अपनी डेफिनेशन के अंतर्गत एक वर्ड डिस्कस किया इट इज़ कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन देन वॉट इज कम्युनिकेशन अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन यही आ जाता है सो कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइन कैन बी डिफाइन एज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज इंफॉर्मेशन एंड इमोशंस ओके कम्युनिकेशन क्या है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज इंफॉर्मेशन एंड इमोशंस को क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं है ना और बात सीधी सी, सीधा सीधा बोल सकते हैं बात करना ही असल में क्या है कम्युनिकेशन है ठीक है <coughs> तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन के कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं और इसको अपन एज अ प्रोसेस भी देख सकते हैं और यही कॉम्पोनेंट्स जब एक साइकिल के फॉर्म में बन जाते हैं तो अपन इसको कम्युनिकेशन का साइकिल भी बोलने लगते हैं तो आपको ध्यान से समझना है और एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा फैक्टर ऐसा होता है जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस को एक साइकिल में बदल देता है ठीक है तो वो भी देखेंगे सो so यहाँ पर मेज़र फर्स्ट हमारा जो कॉम्पोनेंट है इट इज़ सेंडर सेंडर वो पर्सन होता है जो क्या करता है uh, किसी भी चीज़ को इनकोड करके भेजता है मतलब मैसेज भेजने वाला जो पर्सन होगा वो क्या कहलाएगा सेंडर ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास कोई मैसेज होता है क्योंकि इसी के थ्रू तो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं मीन्स हमारा कोई आइडिया या इन्फॉर्मेशन या फिर कोई इमोशन फीलिंग कुछ ना कुछ तो होगा तो वही क्या कहलाता है हमारा मैसेज कहलाता है अब ये रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है ओरल फॉर्म में भी हो सकता है इसको अपन एक और तरीके से बोल सकते हैं वर्बल भी हो सकता है नॉन वर्बल भी हो सकता है वर्बल कहने का मतलब है जो शब्दों के रूप में बयां कर पाएँ वो वर्बल है और नॉन वर्बल अपन कई तरह के टोन्स साउंड या फिर कोई साइन तो ये क्या हो जाएगा नॉन वर्बल हो जाएगा तो मैसेज भी इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है कम्युनिकेशन का देन हम बात करें मीडियम की तो हमारे कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारा कोई ना कोई मीडियम हो मीडियम भी कई तरह के हो सकते हैं लैंग्वेज उसमें से एक मीडियम है ठीक है ना और इसके अलावा हमारे पास कई तरह के डिजिटल मीडियम है लाइक व्हाट्सएप रिटर्न में लेटर हो गया है ना बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी तो ये क्या है मीडियम है बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम क्या होता है हमारा लैंग्वेज होता है विदाउट लैंग्वेज हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे देन हमारा जो फोर्थ कॉम्पोनेंट होता है इट इज़ रेसीपेंट मीन्स वो पर्सन जो क्या करेगा सेंटर द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीव करेगा वो पर्सन क्या कहलाता है रेसीपेंट कहलाता है ठीक है कहीं कहीं रिसीवर भी लिखा हुआ मिल सकता है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना लास्ट नॉट लीस्ट ओके तो ये होता है फ़ीडबैक फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब मैंने अभी शुरुआत में बोला था कि कौन सा कंपोनेंट होता है जो पूरे प्रोसेस को सर्कल में चेंज कर देता है तो फीडबैक होता है और फीडबैक से ही ये पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस एंड होता है है ना क्योंकि सेंडर जो मैसेज भेजता है वो रिसीवर के पास पहुंचता है और उस पर रिसीवर का क्या रिसिपेंट का क्या रिएक्शन होता है ये चीज़ कम्युनिकेशन को कंप्लीट बनाती है ठीक है इस तरह से प्रोसेस शुरू होती है सेंडर से मैसेज भेजने और फिर रिसीवर से उस पर क्या करना रिएक्शन देने वाली प्रक्रिया तक तो इस तरह से पूरा जो प्रोसेस है वो एक साइकिल के फॉर्म में चलने लगता है ये जो फीडबैक मिला है वो वापस से किसके पास जाएगा सेंडर के पास जाएगा फिर सेंडर का भी कोई रिएक्शन हो सकता है फिर वापस से रेसीपेंट और ये तरह से क्या है साइकिल चलता रहता है ठीक है ना तो ये है एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का शॉर्ट वे में हमने समझा ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है स्पेसिफिक नहीं है जनरल बातें हैं होपफुली समझ में आई होगी तो चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर और वो टॉपिक क्या है तो वो टॉपिक है डेवलपमेंट लिखा ना पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट तो हमने पैडागोजी डिस्कस कर लिया लैंग्वेज डिस्कस कर लिया नाउ इट इज डेवलपमेंट तो ये तो अपन ने पहले वीडियो में भी देख लिया है और इससे पहले भी चैनल पर इस पर डिटेल वीडियो डली हुई है आप वहाँ पे भी देख सकते हैं तो शुरू करते हैं डेवलपमेंट के बारे में है ना तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट कई बार डिफाइन किया अपन ने इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव चेंजेस इन पर्सनैलिटी ओके सो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एक जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस होता है जिसके दौरान बहुत सारे प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं हमारी पर्सनैलिटी में उसी को असल में हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं नो इट इज़ मेजर्ड एज एबिलिटी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि अभी इसी के बेस पर मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ ठीक है ना तो जिसको हम ज़्यादातर किस रूप में देखते हैं हमारी पर्सनैलिटी में आने वाली कई तरह की योग्यताओं के रूप में और योग्यताओं के रूप में ही हम डेवलपमेंट को या विकास को मेज़र करते हैं या फिर असेस करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मोटर डेवलपमेंट तो हमारे दौड़ने की जो योग्यता है वो मोटर डेवलपमेंट मैंने बोला कॉग्नेटिव डेवलपमेंट तो कोई लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल एक्टिविटी करने की जो योग्यता या एबिलिटी है वो कॉगनेटिव डेवलपमेंट हो गया तो इस तरह से हम डेवलपमेंट को एबिलिटीज़ के रूप में क्या कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं तो अपन इसको ध्यान रखना है कि हम ऑलवेज डेवलपमेंट को किस फॉर्म में एसेस करते हैं या मेज़र करते हैं एबिलिटीज़ के रूप में ठीक है असेस करते हैं मेजर भी नहीं करते असेस करते हैं ठीक है एक अनुमान लगाते हैं तो ये हो गया डेवलपमेंट इन सारी टर्म्स को पढ़ने के बाद हमारा जो कंप्लीट पेपर का नाम है वो हमें क्लियर हो जाएगा और वो क्या हो गया पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ओके तो ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है अब ओवरऑल ये एक चीज नया टर्म बन गया बन लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट दोनों को मिला के लैंग्वेज डेवलपमेंट सो लैंग्वेज डेवलपमेंट को देख लेते हैं जैसे हमने डेवलपमेंट में बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट पढ़े थे फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट मॉरल डेवलपमेंट तो ये जो सारे आस्पेक्ट्स हैं उन्हीं में से एक आस्पेक्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है सो इट इज़ अबाउट एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज मैंने बोला था कि एबिलिटीज़ की तरह एक रूप में अपन क्या करेंगे किसी भी डेवलपमेंट को डिफाइन करेंगे तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ अबाउट एबिलिटी टू यूज़ अ लैंग्वेज तो ये एक भाषा को उपयोग भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विकास की अलग अलग अवस्थाओं में भाषा को हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर पा रहे हैं वही हमारी योग्यता क्या है हमारा भाषात्मक विकास है या लैंग्वेज डेवलपमेंट है नो फैक्टर अफेक्टिंग जो डेवलप लैंग्वेज डेवलपमेंट होते हैं उनको भी हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएंगे हमारे सिलेबस के सो ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट को पढ़ा हाँ इसमें नॉम चॉम्सकी का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है थ्योरी किस मायने में है आगे हम हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है लर्निंग सॉरी एक्विजिशन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग तो वो जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसमें नॉम चॉम्सकी का ये लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है तो हमें इसको डिटेल में देखना है और हम आने वाले नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें इसको डिस्कस करेंगे तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कहा जाए तो कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो है हमने डिस्कस किया और बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा हम बट लाइव आने की कोशिश करेंगे अभी नहीं बट थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम ज़रूर करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके शेयर करें साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएं ताकि वो भी बेटर कर सकें और थैंक यू मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद